रुख मोड़ दे हवाओं का, रुख मोड़ दे हवाओं का। तेजस्वी प्रसाद यादव इंसान है, वही मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी के बल पर सारे काम करते हैं, सही निकलता है। और चारा घोटाला में करोड़ों रुपया पकड़ाए थे तब न जेल में है, पूछो कर करके धौस दी करके होने वाली बात है। अरे अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अच्छा तो एक आध गो अच्छा मोटरसाइकिल ना मांगे ये बला ये आप ही। हाँ। पहले एगो साइकिल लेके आते थे फिर ऊपर उलटेन टांग के अभी भी है, तो एगो मोटरसाइकिल मांगे ना लालू। उसको कह दूं इस पर आपका जवाब, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। इतना बात तो लालू जी ने बनाते हैं जितना आप बना रहे हैं जापड़ी। लालू जी कुछ नहीं सोचना है, सामने क्या है, धोखड़ी में माल कितना है, गोरे गोरे गाल कितना है, कुछ नहीं सोचना है, जज्बात है तो औकात है। नमस्कार, मैं रविकांत। आज आरजेडी के कई नेताओं के ऊपर सीबीआई का रेड मारा गया है। अभी उनके कार्यकर्ता हैं काफी एकदम जुझारू और काफी बेबाकी से बात रखने वाला एकदम कार्यकर्ता है। विधानसभा के चुनाव के वक्त ये वायरल भी हुए थे। क्या कहिएगा लालू जी के यहाँ परिवार में तो कितना धन है वो तो सबके पते है, इन्हें उन्हें दिन भर सीबीआई के रेडे मराते रहता है, कितना पैसा रख ले। देखिए बात बताते हैं आपको, कहावत जो है खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, सरकार का बंधुआ मजदूर बना कर रखे हुए थे ये नीतीश कुमार जी को। अब वो स्वतंत्र ख्यालात का आदमी है, उनकी विचारधारा से जो नहीं मिलता है वो आगे पीछे नहीं छोड़ते हैं, छोड़ के चल जाते हैं और जहाँ समझ में आता है कि अभी अगला सही है तो वहाँ चल जाते हैं। ये अच्छे स्वभाव का और स्वतंत्र आदमी है, क्योंकि बंधुआ मजदूर बनने के इन्होंने अब तैयार नहीं रहे कि बहुत बर्दाश्त कर लिए, बहुत बात कर लिए, इसलिए उन्होंने महागठबंधन में आए हैं। अब छटपटी छूट रहा है कि भाई तो उनको पास तो सामने से बार करने का है नहीं, पीछे से करेंगे, ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, एल टेस्ट लगाएंगे, सेल टेस्ट लगाएंगे, ऐसा सब करते। आज एक बड़ी बात है कि फ्लोर टेस्ट होने वाला है विधानसभा में, कहीं इसका डर तो नहीं ना दिखाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि डर फोक डरते हैं वही सब काम करते हैं जो दिखता है खाली फैला करके पर जमीन पर नहीं आते हैं। बात समझिए, लालू प्रसाद यादव माननीय लालू प्रसाद यादव कितना बार रेड पड़ा, क्या क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला, कुछ निकलता नहीं है, फिर भी एक हवा कि तुम नहीं मानोगे तो हम मना देंगे, डर कैसे निकलता है। और चारा घोटाला में करोड़ों रुपया पकड़ाए थे तब ना जेल में है। चारा घोटाला में आप पहले पता कर लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि लालू प्रसाद जी आपके राज्य में यह घोटाला हुआ है इसलिए आप दोषी है, उसमें वो लिखा हुआ है, वो पहले से बढ़िया पढ़ लीजिएगा। मतलब लालू जी ने नहीं किया है, उनके लालू प्रसाद यादव जितना संभले हुए, सुलझे हुए, सौहार्द और विनम्र व्यक्ति हैं कि आदर समेत सौहार्द स्वीकार करते हैं कि चलो भाई कम से कम हम मान लेंगे जेल चल जाएंगे तो कम से कम अमन शांति तो रहेगा। भोला यादव के यहाँ इतना रेड पड़ा, अभी पकड़ाइल है ना, कितना कितना पैसा पकड़ा रहा, आप बोल रहे हैं कि एकदम अच्छा है। और बताते हैं आपको, आप पैसवा कहाँ रखते हैं ये बताइए आप लोग। पैसवा आप देखे हैं, पैसवा देखा है, वो तो हवे में चलता है ना, जमीन मकान। अच्छा नोएडा वाला फ्लैटवा अभी मॉलवा देखे हैं, आप देखे हैं मॉल? हम तो यही को जानते हैं कि हम एक ही चीज देखते हैं, हम लालू प्रसाद यादव को देखते हैं। हम तो यही जानते हैं कि दिल दीवाना बिन लालू प्रसाद यादव के माने ना, पूरी दुनिया में लालू प्रसाद यादव जी के अलावा और कोई चेहरा पहचाने ना। लोग तो मुझे कहते हैं छलिया है, नाली है, पर हम तो यही जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हिंदुस्तान का धुरंधर राजनीतिक खिलाड़ी है। एक आध गो अच्छा मोटरसाइकिल ना मांगे ये बला ये आप ही। पहले एगो साइकिल लेके आते थे फिर ऊपर उलटेन टांग के, अभी भी है, तो एगो मोटरसाइकिल मांगे ना लालू। उसको कह दूं इस पर आपका जवाब, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, चाह गई और चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उस साहों के सहनशाह, हम सहनशाह हैं कि हमारी चाहत इच्छाएं कामनाएं कम हो गई है, खत्म हो गई है, एक ही चाहत हमारी है। लालू प्रसाद यादव ने जीवन दिया है, पहचान दिया है, मरने से पहले तक लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल को पूरी दुनिया में वैभव विस्तार कर दें, ताकि पूरी दुनिया को लालू प्रसाद यादव से प्यार करते हैं, क्योंकि अच्छा इतना भ्रष्टाचारी नेता पकड़ा रहे हैं, इसको लेकर पूरा देश भर में बात बन रहा है, लालू यादव की पार्टी से पकड़ा रहे हैं, आरजेडी के पार्टी से, तो ये डराने मतलब कि आज फ्लोर टेस्ट भी है, ठीक है, कहीं बीजेपी ऐसा ना चाह रही है कि नीतीश कुमार को बहुमत ना साबित होने दें ये सब। अरे जो परमात्मा कह दिया है ऊपर वाला कि जा बेटा तेरे हम पीछे हम हैं,
पर उसके नीचे बिचौलिया चाहेगा कुछ कर करके ध्वस दे करके होने वाला बात है। अरे अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जब ऊपर वाला कहा कि जब चपरासी का भाई होकर के ताव में आ गए हैं, मूड में है, जब चपरासी के भाई होकर के लालू प्रसाद यादव इतना कुछ कर सकता है, तो लालू प्रसाद यादव जी के अंदर परमात्मा का शक्ति प्राप्त है। उन पर कविता में कह देता हूँ, सुना देते हैं। कभी होती नहीं है उनकी हार, जो करते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी से प्यार। दुख उनके पास आती नहीं है, और मौत आती है तो लौट के चली जाती भी है, लौट के चली जाती है। लालू प्रसाद यादव ऐसे शख्स हैं, ऐसे शख्सियत हैं कि उनके पास घूम फिर के सब लोग आते हैं, उनके पास सब लोग घूम फिर के आते हैं। और लालू प्रसाद यादव तो बेचारे दूध पीते हैं और रोटी खाते हैं, ढेर उनके नाम से मलाइयों खा जाते हैं। हम बताते हैं, समझाते हैं। उनकर नेता सब कमाते हैं ना पैसा खूब, उनकर नेता, ये नेता उनके आशीर्वाद से कमाते हैं, पर नामों कमाते हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ईश्वर के बाद ईश्वरीय शक्ति इतनी है कि जब हमारे जैसा आदमी एकदम गरीब, हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति ऐसा है, आप ही मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, गरीब हैं, हाँ। पुराने हैं पर है ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये मोटरसाइकिल पुराना है, ये मोटरसाइकिल पुराना है पर खराब जमाना है, उसके नहीं घबराना है। क्योंकि हम कमाते हैं कम पर करेवा में है दम, इस करेया के दम के वजह से मुस्कुराते हैं हम। क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक प्रसाद हैं, प्रसाद की तरह बटे, विनय बिहारी के पास बटे, वो तेजस्वी जी के पास बटे, तेज प्रताप जी के पास बटे, हर जगह बटते 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 बटते। आप लालू जी का खाली तारीफ कर रहे हैं, एगो मौलवा मिला है, पकड़ाया है वहाँ, वो नोएडा वाला, वो भी का तो सुन रहे हैं तेजस्वी जी का है, हाँ। और उस पर क्या कहना है, हमको कुछ नहीं कहना है, हमको तो यही कहना है कि जिसको जो बुझा से कर ले, जहाँ जहाँ पकड़ाता है आप वहाँ वहाँ बात घुमा दे रहे हैं, तो किसका है, उनका MLC का है, विधायक का है, मंत्री, बताइएगा ना। नहीं वो हम तो सुने हैं अभी से, आपसे सुने हैं, हमको देखो समझ चल रहा है, इतना नेता पे देख लेंगे, लेकिन हमको आपसे सुने हैं भैया, हम तो एक बात जानते हैं कि लाल तेजस्वी प्रसाद यादव के पास एक को शक्ति है, वो माने लालू प्रसाद यादव के वो बेटा है जो आज के परिवेश में हिंदुस्तान का सबसे, हिंदुस्तान का कोई बड़ा राजनेता का सबसे काबिल, सुयोग्य सुपुत्र श्रवण कुमार जैसा अगर कोई बेटा अगर है हिंदुस्तान में तो तेजस्वी प्रसाद यादव। हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का अगर कोई नेता प्रतिपक्ष है दो बार तो तेजस्वी प्रसाद यादव। हिंदुस्तान में अगर ये उप मुख्यमंत्री दो बार अगर कोई बना है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, मंत्री बोल दीजिए ना अभी तो तेजस्वी प्रसाद यादव। और वाह कमाल किया तेजस्वी लालू के लाल ने, 10 साल से राजनीति में है, 10 साल से इतने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, उस पर मैंने कविता लिखा है, रुख मोड़ दे हवाओं का। तेजस्वी प्रसाद यादव इंसान है, वही मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी के बल पर सारे काम करते हैं, सही, कुछ नहीं सोचना है, सामने क्या है, ढोकरी में माल कितना है, अगोरे गोरे गाल कितना है, कुछ नहीं सोचना है, जज्बात है तो औकात है। तेजस्वी प्रसाद यादव में वही जज्बात है। 50 साल पहले जो लाठी लेकर जिस मजबूती से लालू प्रसाद यादव खड़े थे, खुशी हमको इस बात का है कि वही ताकत, वही जवानी, वही वैभव तेजस्वी प्रसाद यादव में। आज आप खुशी में है कि गुस्सा में, इतना कसकस के? हमारी शेर जब सोया हुआ रहेगा तो देख के डर लगेगा, शेर बीमार रहेगा तो देख के डर लगेगा, शेर अगर कभी निकले, शेर अगर जागा रहेगा जमहाई लेगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। लालू यादव शेर, उनका चेलवो शेरन है भैया, तो हम शेर ऐसी दहाड़ता है ना, हमारा अंदाज है। इसमें क्या है, इसमें क्या, इसमें बिस्कुट है, अच्छा बिस्कुट है, रहने दे, चलिए ठीक है। ये लालू प्रसाद यादव के फैन है, नाम एक बार जी बता दीजिए। मेरा नाम कुछ लंबा है, सुन लीजिए, नामो तू बताएगा एकदम, हाँ, मेरा नाम है विनय बिहारी, मेरी जिंदगी में किया भाव। इतना बात तो लालू जी ने बनाते हैं जितना बना रहे हैं जापड़ी। लालू जी जुबान मना दिए, लालू जी एक बार में बोलते हैं नमस्पास्ट के लिए। मेरा नाम विनय बिहारी है, जुबान हो दिए हैं, मेरा नाम विनय बिहारी साहब, मेरी जिंदगी में किया भाव, मेरे धोखड़ी में नहीं रहता को पैसा, फ्री में जीवन जीता हूँ। मानिए लालू प्रसाद यादव के विचारों कारण
सहन सहम जैसा। और मेरा नाम है विनय बिहारी। चलिए विनय बिहारी साहू जी से मैं जरा बात कर रहा हूँ। हाँ बिस्कुट भी बेचते हैं और तीन चार काम बोले थे, वकील हैं, कोची हैं, वो सब जरा हमको बताइए संक्षिप्त में। आप लंबा छोड़ा नहीं, एक काम शुरू में करेंगे, बिस्कुट बेचेंगे सुबह में कम से कम 12 बजे तक ला। अब 12 बजे फिर बिस्कुट लेकर चले जाएंगे वहाँ मीठापुर दुकान पर, दुकान पर बेचेंगे और फिर वहाँ से ले जाएंगे। तो छोटे छोटे गरीब बच्चों को मगनी के ट्यूशन पढ़ाते हैं। कितने बच्चे को पढ़ाते हैं? वो कम से कम अभी 7 लेकिन है, 7 लेकिन को पोख्ता तरीके से पढ़ाते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। और वकालत कब करते हैं? वकालत करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं और दुकान करते हैं और रंजीदी करते हैं और फेरी करते हैं, 4 काम करते हैं, पर औकात नहीं है। अब बाकी जो पैसा बच जाता है गरीब गुरुआ में दे देते खुश रहने के लिए। चलिए ये विनय बिहारी साहू जी थे, इनसे तमाम बातें मैं कर चुका हूँ। आज लगातार आरजेडी के नेताओं पर सीबीआई का रेड हो रहा है, मगर लालू जी के जो फैन हैं, नेता लोग हैं, वो एकदम जोश में है। वही एक जोश का भी प्रकटीकरण यहाँ पर कर रहे थे। मेरा नाम हुआ रविकांत और झकास भारत देख रहे हैं। लगातार सियासत से जुड़ी हुई और भी तमाम खबरें मैं लगातार ला रहा हूँ। अभी के लिए धन्यवाद।